मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में पुलिस विभाग के तत्वाधान में समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता के अहम मुद्दे पर सेमिनार का आयोजन किया गया और इस सेमिनार में अजाक रेंज के अंतर्गत आने वाले ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और साथ ही में अशोकनगर जिलों की कार्यशाला में संभाग के पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। यह कार्यशाला SC, ST और कमजोर दलित शोषित वर्गों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें SC, ST एक्ट के संबंध में मिलने वाली राहत राशि को लेकर थाना प्रभारियों को लोगों के लिए त्वरित निराकरण के लिए ट्रेनिंग दी गई। वहीं पुलिस एवं ST, SC कानून के संबंध में पीड़ित को जल्द न्याय दिलवाने की बात यहां वरिष्ठ अधिकारियों ने कही। इस कार्यशाला में IG अविनाश शर्मा, SP अमित सांगी समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जो अजाक रेंज है, जो चार जिले कवर करते हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर, उनमें जो SC ST एक्ट के तहत अपराध होते हैं या अन्य समाज के कमजोर वर्गों के संबंध में जो अपराध होते हैं, उसमें पुलिस जो विवेचक हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उनमें संवेदनशीलता डेवलप करने के लिए एक सेमिनार आयोजित की गई है, जिसमें लिमिटेड लोगों को, लगभग 37 लोगों को ही कॉल करके और कोविड गाइडलाइन का पालन करके उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि जो भी उनसे संबंधित मामले हैं, समाज के कमज़ोर वर्गों से संबंधित, उसे पूरी संवेदनशीलता से विवेचना करें, कायमी करें और उन अपराधों का निराकरण करें। इस जो सेमिनार है उसका उद्घाटन IG साहब ने और SP ग्वालियर साहब ने किया है और इसमें उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक और उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी इसमें शामिल हैं। शासन द्वारा जो फंड आता है उसको लेकर भी बात कही गई, उसका सही उपयोग। जी हाँ, राहत राशि का जो प्रावधान है, साथ में अगर कोई व्यक्ति गवाह आता है तो उसको उस दिन की मजदूरी और उसको भोजन का जो पैसा है उसको वितरण किया जाए। राहत राशि के अलग अलग स्टेज हैं, जो FIR के समय की, चालान के समय की और प्रकरण के निराकरण के समय की, उन स्टेजेस में पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रकरण भेजे जाएँ। इसके साथ ही अकेले पुलिस के साथ साथ इसमें ट्राइबल डिपार्टमेंट जो है और उसके साथ में जो हमारे राजस्व अधिकारी, SDM साहबान हैं, बैंक अधिकारी हैं, सभी स्टेक होल्डर्स हैं, जहाँ से जाति प्रमाण पत्र मिलता है, जहाँ से खाता खुलता है, क्योंकि इसमें कियोस्क वाले खाते मान्य नहीं होते हैं, उन सभी को भी हमने इसमें आमंत्रित किया है कि वो अपनी बात बताएंगे और जो हमारे प्रतिभागी हैं उनकी जो क्वेरी होगी उनका समाधान करेंगे। पांडे जी, हमारे हर साल ये सेमिनार आयोजित किया जाता है, लगा कि कहीं ना कहीं सुधार आया है प्रणाली में? जी निश्चित ही, जब भी कोई प्रशिक्षण होता है उसका उद्देश्य यही रहता है, एक तो डायनेमिक है, लॉ बदलता रहता है, नए संशोधन आते रहते हैं, उसके बारे में उनको जानकारी हो। दूसरी बात, कई बार लगातार कार्य करते करते व्यक्ति को उतना महत्व या डिटेल कई बार नहीं होता, उसको भी अंडरलाइन करने के लिए, उसको महत्व को फिर से उनको समझाने बताने के लिए प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा देखने में प्रशिक्षण के बाद भी जो अपराधों को सताया जाता है उसकी बात नहीं सुनी जाती। यही प्रशिक्षण का यही कार्य है कि उनको अच्छे ढंग से बताया जाए, कहाँ अगर कोई त्रुटि रह गई उसमें कैसे सुधार किया जाए और बेहतर ढंग से हम अपनी सेवाएँ कैसे दे सकें, यही इसका उद्देश्य है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।